नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों को निशाना बनाना, तुरंत बंद करे पाकिस्तान, भारत की सख्त चेतावनी। पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को तलब कर जताया कड़ा एतराज। गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ बंद करे मदद। बुधवार को फायरिंग में गई थी 5 नागरिकों की जान, 30 हुए थे जख्मी। उरी सेक्टर में फिर सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद की हो रही है समीक्षा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान। इस्लामाबाद पर राजनयिकों के साथ गलत व्यवहार का भी लगाया आरोप। तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर के खिलाफ ताजा हिंसा के बाद जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला। मद्रास हाईकोर्ट का पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 लोगों के शवों को सुरक्षित रखने का आदेश। डीएमके का राज्यव्यापी प्रदर्शन कल। निपाह वायरस संक्रमण के बाद केरल सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राज्य के उत्तरी चार जिलों में जाने से बचने की सलाह। 11 लोगों की मौत के मद्देनजर समीक्षा में जुटी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम। कोलकाता में दूसरे प्लेऑफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को दी 25 रनों से मात। फाइनल में पहुंचने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला कल। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नियंत्रण रेखा के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की है, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में मासूम नागरिकों को निशाना बना रही है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में भी कल भी पाकिस्तानी रेंजरों ने भारी गोलीबारी की, जिसमें एक बच्चे और एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बीएसएफ के 5 जवान समेत 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। 15 मई से अब तक सीमा पार से हो रही गोलीबारी के चलते बीएसएफ के 2 जवान समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के भिम्बेर सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 7 महीने के एक बच्चे की मौत की खबर को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब करके कड़ा विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों को निशाना बनाना तुरंत बंद करे। भारत ने सीमा पार से गोलीबारी की आड़ समेत दूसरे तरीकों से आतंकियों की घुसपैठ में मदद भी बंद करने को कहा है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी बलों ने इस साल अब तक इस तरह के 1,088 उल्लंघन किए हैं, जिसमें 36 लोग मारे गए और 127 घायल हुए हैं। इस साल सुरक्षा बलों ने 53 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की और नियंत्रण रेखा पार करते समय 5 आतंकियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी में आम लोगों के मारे जाने पर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के लोगों की जिंदगी, संपत्ति और सुरक्षा पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी की जद में है और इसे फौरन बंद किया जाना चाहिए। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। इस बीच अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद की समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को सदन में विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने राजनयिकों के साथ गलत व्यवहार के लिए इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना की। माइक पोम्पियो ने एक सेनेटर का जवाब देते हुए ये बात कही। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में $2 बिलियन की कटौती की थी। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट कॉपर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। राज्य सरकार ने गोलीबारी के बाद हुई ताजा हिंसा में एक प्रदर्शनकारी के मारे जाने के बाद कार्रवाई करते हुए एसपी और जिलाधिकारी का तबादला कर दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लगाई गई है। तूतीकोरिन में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए तूतीकोरिन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तूतीकोरिन जिले स्टरलाइट कॉपर के कारखाने में फिलहाल परिचालन बंद है। इस बीच इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। घटना के विरोध में विपक्षी दल डीएमके ने सभी दलों से 25 मई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।
इधर राज्य सरकार ने घटना की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग बनाने का आदेश दिया है। मामले की जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी तमिलनाडु सरकार से मंगलवार को ही घटना पर रिपोर्ट मांगी है। तूतीकोरिन में पिछले कई दिनों से स्टरलाइट कॉपर यूनिट को बंद करने की मांग चल रही थी, लेकिन मंगलवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस बीच वेदांता समूह को स्टरलाइट यूनिट के विस्तार मामले में मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने प्रदूषण और लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए स्टरलाइट यूनिट के तांबा गलाने की नए यूनिट के विस्तार से जुड़े निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की जनसुनवाई का भी आदेश दिया है, साथ ही कारखाने के विस्तार के लिए दी गई मंजूरी का ब्यौरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए सभी लोगों के शवों को सुरक्षित रखने को भी कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें मणिपुर में पहले खेल विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है। साथ ही सरकार ने नक्सल पीड़ित इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 70,000 करोड़ की राशि दी है। इसमें 10 राज्यों के 96 लोकेशन में 4G सेवा वाले 4,072 मोबाइल टावर लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति ने स्कूटर इंडिया को दोबारा शुरू करने के लिए उसकी बैलेंस शीट को मंजूरी दी है। साथ ही पारादीप और विशाखापत्तनम बंदरगाहों पर बकाया लोन को भी माफ करने का फैसला लिया है। हम 4072 टावर लोकेशन को लगाएंगे, तो आइडेंटिफाई किया है, और ये 10 स्टेट्स में है और 96 लोकेशंस है। आपको देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंटेन करने के लिए भारत सरकार कई प्रयास कर रही है, डिटेरेंस भी कर रही है, बाकी वहाँ पर बस्तरिया पलटन भी ला रही है, नए लोगों को नौकरी दे रही है, एम्पावरमेंट भी कर रही है, बिजली का काम भी कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव से जुड़े अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। इसमें किसी रियलिटी कंपनी के डूबने पर उसकी संपत्ति में होम बायर्स का भी हिस्सा होगा। अब तक संपत्ति की नीलामी में बैंक का ही हिस्सा होने की बात थी। कोड में बदलाव के लिए सरकार ने पैनल बनाया था। उसने सिफारिश की थी कि दिवालिया बिल्डर की संपत्ति बेचने पर उन घर खरीदारों को भी हिस्सा दिया जाए जिन्हें पोजीशन नहीं मिला है, और उतना हिस्सा बिल्डर के लोन के हिसाब से होगा। ग्रेटर नोएडा समेत तमाम शहरों में गृह निर्माण कंपनियों के डूबने के मामले में हजारों होम बायर्स का पैसा फंसा है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को लोन मुहैया करवाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों के साथ करार किया है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला और ऊबर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसका मकसद कर्जदाता, उद्योग और सरकार के बीच त्रिस्तरीय साझेदारी का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को लोन मुहैया करवाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था। सरकार तेल के बढ़ते दामों को ध्यान में रखकर एक दूरगामी योजना पर काम कर रही है। ये बात केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कही है। उन्होंने कहा कि सरकार तेल के बढ़ रहे दामों पर चिंतित है और इसका समाधान निकालने में लगी हुई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल के दाम में 2.5 रुपए से ज्यादा और डीजल के दाम में 2.40 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जहां तक डीजल और पेट्रोल की कीमत का सवाल है, इस पर चर्चा भी हो रही है, चिंता भी हो रही है। आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने पूरे इसको डीरेगुलेट किया था और कई बार इसकी प्राइसेस कम भी हुई हैं, काफ़ी कम हुई हैं। अब इस संदर्भ में सरकार में चर्चा चल रही है कि इसका एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर करके इसका निर्णय किया जाए। जो वीकली अप्स एंड डाउन्स और क्रूड प्राइस के ओकेजनल या फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा, तो सरकार उस लॉन्ग टर्म व्यू को ले रही है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि वैश्विक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से तेल की कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू करों की समीक्षा करनी होगी।
लोकल प्राइजेस भी उसी बेसिस पे कैलकुलेट होती है इंटरनेशनल प्राइजेस के हिसाब से, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह सब जोड़ के और फिर लोकल प्राइजेस बहती, इसलिए लोकल प्राइजेस भी ऊपर गई। और उसमें चूंकि डॉलर भी 65 रुपये से लेकर 68 रुपये तक चला गया तो उसका भी एक इम्पैक्ट आया। Different things that the government has been doing, they're increasing the strategic reserve so that they could maintain the price of oil, but that's a limited thing. The second is the challenge of the duties on petroleum products, but there's a flip side about the deficit and then the expenditure on other development activities. So it's a tightrope balance which the government will have to look at, and I'm sure they will respond adequately going forward. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने राज्य के विकास को प्राथमिकता बताया है। बेंगलुरु में विधानसभा परिसर में हुए भव्य समारोह में शपथ लेने के बाद उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस नेता के जी परमेश्वर ने भी कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 25 मई को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, उसी दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद कुमार स्वामी विश्वास मत हासिल करेंगे। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण विश्वास मत हासिल करने के बाद किया जाएगा। कर्नाटक में कुल 34 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री को मिलाकर 22 मंत्री कांग्रेस से होंगे। वहीं मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री जेडीएस से होंगे। स्पीकर का पद कांग्रेस को मिलेगा, वहीं डिप्टी स्पीकर जेडीएस से होंगे। एसडी कुमार स्वामी दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 4 फरवरी 2006 से लेकर 9 अक्टूबर 2007 तक वो बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर को शुभकामनाएं दी हैं। वी आर नॉट गोइंग टू इम्पॉर्टेंस फॉर द पावर शेयरिंग आर पर्सनल बेनिफिट। आवर मॉडलिटीज विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज द मेन टॉप प्रियोरिटी। फॉर दैट वी विल गोइंग टू फॉर्मुलेट वन मॉडलिटी दैट विल गोइंग टू एनकरेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एच डी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में कल विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। इनमें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी भी मंच पर नजर आए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती, आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा के साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी समारोह में शामिल हुए। What we are doing, you are watching. All we have wanted to promote more and more regional parties. We want to strengthen. That is our Mamataji's mission, even our motto. That is how we are working. And we will keep in touch with all the regional parties together so that we can work for the development of the nation, development of the people, and development of the federal setup also. If the state is strong, the central is always strong. And that's why our mission and our vision is very clear, that we can meet each other, we can talk each other, we can go every state and we can talk to each other, and that will give us more strength for the future of the country. कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी पर बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल चाहे कितने भी एक साथ जमा हो जाएं, 2019 के लोकसभा में एनडीए को ही जीत मिलेगी। देखिए, ये लोग कितने इकट्ठे हो जाएं, इनके हाथ तो मिले हैं लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री 5 साल तक कर्नाटक में था, अब कुमार स्वामी के भरोसे कांग्रेस कर्नाटक में पिछले दरवाजे से हुकूमत में आई है। और जो नेता वहाँ इकट्ठे भी हुए हैं उनके वोटर अलग हैं, एक दूसरे से विचारधारा अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कितने इकट्ठे हो जाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के खिलाफ बीजेपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कल के दिन को जनादेश विरोधी दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस और जेडीएस के खिलाफ जनादेश दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि जनता की इच्छा नहीं होने के बावजूद सत्ता के लालच में कांग्रेस जेडीएस ने गठबंधन किया है। उन्होंने इस गठबंधन को कर्नाटक की जनता का अपमान बताया। उन्होंने दावा किया कि जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन सरकार 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी।
JDS and Congress formed Hanoli Alliance to grab power. This Hanoli Alliance is an insult to the mandate and wishes of the people of Karnataka and therefore black day for the state. These parties have ignored people's mandate and joined hands for power. BJP is protesting this grave insult to people's mandate by Congress and JDS. My dear friend, not even 3 months. Just wait up to cabinet expansion. What will happen? I don't think they will continue even 2-3 months. नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों का आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल जून में हुए नीदरलैंड दौरे के 1 साल से कम समय में प्रधानमंत्री रट भारत का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रट का ये जून 2015 के बाद दूसरा भारत दौरा है, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये उनका पहला दौरा है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रहे हैं, जिनमें उप प्रधानमंत्री, विदेश, व्यापार और विकास सहयोग मंत्री, बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक 130 कंपनियों के 230 व्यापारिक प्रतिनिधि भी रट के साथ यहाँ ट्रेड मिशन में भाग लेने के लिए आएंगे। ट्रेड मिशन में शामिल होने वाली कंपनियां एग्री फूड, बागवानी, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटीज, जल, स्वास्थ्य, आईटी, समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ही भारत नीदरलैंड सीईओ फोरम भी दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली के बाद प्रधानमंत्री रट बेंगलुरु का भी दौरा करेंगे, जहां वो इसरो के परिसर जाएंगे। भारत और नीदरलैंड के बीच अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक 7.621 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ है। नीदरलैंड सन 2000 से दिसंबर 2017 के बीच कुल 23 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशकर्ता देश है। नीदरलैंड में 2,35,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं। इससे पहले नीदरलैंड के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। INSV तारिणी में समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर लौटी नौसेना की 6 जाबाज महिला अफसरों ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी की अगुवाई वाले इस अभियान दल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी। नौसेना महिला अफसरों ने मिशन, उसकी तैयारी, प्रशिक्षण और अनुभवों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें अभियान की सफलता पर बधाई दी। अभियान दल 8 महीने की यात्रा के बाद 21 मई को गोवा लौटा था, जहां रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने उनका स्वागत किया था। We have done a circumnavigation of the globe under sails in a very small indigenously built boat named INSV Tarini. We are a team of 6 naval officers, all women officers, and we have been selected from different cadres. But Navy selected us and trained us extensively for 3 years for this particular project, where we learned about the navigation, communication, sailing per se. नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से नौसेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में इंडियन नेवी की भूमिका पर आयोजित कार्यक्रम में एडमिरल लांबा ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में नेवी के सामने समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई नए आयाम आए हैं। इस लिहाज से नेवी के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। नेवी ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मालदीव भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि उसकी मौजूदा सरकार का ज्यादा झुकाव चीन की तरफ है और वहां की सरकार ने संविधान में फेरबदल करके विकास के लिए कई द्वीप चीन को दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी भारतीय नौसेना ने फिर शुरू कर दी है और भारत वहां की सरकार के साथ काम करना जारी रखेगा। इस मौके पर उन्होंने नौसेना की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। In times of calamities in IOR and beyond, Operation Blossom in Libya and Operation Rahat in Yemen, where we evacuated nationals, especially in Yemen, we were the only Navy which went alongside and got out close to 3,000 personnel from close to 40 countries, including United States, France, UK. Kerala mein Nipah virus ke sankraman ko dekhte hue Karnataka, Tamil Nadu aur Goa mein bhi
सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम केरल में लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय टीम ने कल सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और आम लोगों से बात की। केंद्रीय टीम ने कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों से लगे सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है और इन दोनों जिलों में प्रवेश और निकास वाली जगहों पर जांच के लिए सुविधा केंद्र बनाने को कहा है। इस बीच केरल सरकार ने लोगों से राज्य के चार उत्तरी जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कन्नूर जिलों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में निपा वायरस के संक्रमण से अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। कोझिकोड में 8 और मलप्पुरम में 3 लोगों की जान गई है। केरल सरकार ने 25 मई को इस मसले पर कोझिकोड में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। वी थिंक द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ, बट वी शुड हैव टू कैरी ओवर दैट प्रिकॉशन वर्क्स बिकॉज वी इन्फॉर्म्ड एनसीडीसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्फॉर्म्ड सेंट्रल मिनिस्टर नड्डाजी हिमसेल्फ एंड ही गिव वेरी गुड हेल्प एंड ही सेंड द medical team, that expert team from there, and everyone come within 2 days. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति, स्थिरता और बेहतर जीवन के लिए आसियान के साथ आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल अगरतला में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का इलाका प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से संसाधनों और क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। उपराष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शुड वर्क एज ज्वाइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेटर्स इन द एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंस, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, दीज आर सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। So these things should be focused and there should be proper coordination between the Northeast and Asian countries, enhanced focus on connectivity, physical and digital. Now the world is moving towards digital. We also should move on digital. Online, that should be our line. Online, everything should be online. The scholarship, the pension, the compensation, the insurance, every facility has to go online. आईपीएल में कल ईडन गार्डन्स में खेले गए एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 25 रनों से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 170 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन कोलकाता की कसी गेंदबाजी के आगे राजस्थान रॉयल्स 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर केवल 144 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच खेलेगी। क्वालिफायर का दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कल कोलकाता में खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया है। विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को टैग करते हुए उन्हें फिटनेस चैलेंज दिया है। कोहली ने साथ में अपना एक्सरसाइज करते हुए वीडियो भी डाला है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेल और सिनेमा जगत की कुछ प्रमुख हस्तियों को टैग करते हुए उनसे भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया है। ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो अपना फिटनेस चैलेंज वीडियो जल्द ही शेयर करेंगे। खेल मंत्री की हम फिट तो इंडिया फिट पहल को काफी सराहा जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के अलावा बबीता फोगाट, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल भी इस मुहिम में शामिल हुए। वो दिन रात बिना ब्रेक लिए देश के लिए काम करते रहे, उससे प्रेरित होकर के हम भी कोशिश करते हैं कि ऑफिस में कहीं भी रहे हम फिट रहे, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 98% लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया है। इस योजना का लाभ उन्हें 60 वर्ष का होने के बाद मिलेगा। इसके लिए कम से कम 20 साल इन लोगों को इस योजना में अंशदान करना होगा। जानकार मानते हैं कि इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बल मिलेगा। Thank you.
दिल्ली के पांडव नगर में काम करने वाली सिमी का दिन शुरू होता है काम से और खत्म होता है काम से। वो दूसरों के घर साफ सफाई का काम करती है और जब थोड़ा समय मिलता है तो अपने घर का काम। उसे भी पता है कि उसकी उम्र ढल रही है और एक दिन आएगा जब उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगेगी। तब वो कैसे अपनों का पालन पोषण कर पाएगी, ये चिंता की बात थी। लेकिन अब नहीं, उसने अटल पेंशन योजना के बारे में सुना और खरीद लिया। जो समय चल रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कौन साथ देगा, नहीं कल को बच्चे भी साथ नहीं देते हैं, तो उस सिचुएशन में हम किसके पास जाएंगे क्या। तो ये जो मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, ये बहुत अच्छी योजना निकाली है कि इससे जो प्राइवेट जॉब वाला बंदा भी है वो भी सिक्योर हो सकता है। गौतम का भी प्रोफेशन ऐसा ही है जिसमें निश्चित आय का भरोसा नहीं। वो होम ट्यूशन देते हैं, जब तक स्कूल चलते हैं उनके घर का खर्चा चल जाता है, लेकिन छुट्टियों के दौरान ट्यूशन काफी कम हो जाते हैं और गौतम कैसे घर चलाते हैं वो ही जानते हैं। उम्र के साथ गौतम का ज्ञान भले ही साथ ना छोड़े, पर घर घर जाने की ताकत कम जरूर होगी। इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए गौतम ने भी अटल पेंशन योजना का सहारा लिया है। तो मेरा काम प्राइवेट ट्यूशन का ट्यूटर हूँ मैं, तो क्योंकि मेरी अर्निंग फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं 60 का हो जाऊँगा तो मेरे पास एक फिक्स मंथली पेंशन होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना गारंटी दे रहा था 4000 पर मंथ की पेंशन की, इसकी प्रीमियम जो था बाकी अदर्स जो प्राइवेट वो थे इंश्योरेंस कंपनी है उनसे काफ़ी कम है, और एक गवर्नमेंट स्कीम थी इसलिए मैंने इसका चूज़ किया। एनडीए सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। ये पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। इस पेंशन योजना के लिए सरकारी बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपए की स्थायी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के सभी नागरिक ले सकते हैं। अंशदान की राशि और व्यक्ति की उम्र पर ही पेंशन तय होती है, लेकिन योजना का लाभ उठाने के लिए 20 साल का अंशदान देना अनिवार्य होगा। अंशदाता की मौत होने पर उनके जीवन साथी पेंशन का दावा कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर जीवन साथी की भी मौत हो जाती है तो नॉमिनी को अर्जित राशि लौटा दी जाएगी। हमारे समाज में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से इस योजना की सफलता में संदेह रहेगा, वो ये है कि हमारे देश में लोग 20, 25, 40 साल वाली उम्र ऐसी होती है कि उस वक्त कोई पेंशन की नहीं सोचता, उस वक्त करंट कमाई की बात सोचते हैं, और उस वक्त जितना भी हम कमा रहे हैं इतना कम कमा रहे हैं कि उसको खर्चने की बात ज़्यादा सोचते हैं, उसमें से कुछ बचा के बुढ़ापे के लिए रखेंगे ये लोग नहीं सोच पाते हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी हमें सीमा दिखती है। हमें ये दिखता है कि इस सीमा इस जैसी योजनाओं को जब तक हम बाध्य नहीं करेंगे, अनिवार्य नहीं करेंगे कि ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी, और वॉलंटरी छोड़ेंगे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 तक 97,05,461 लोगों ने इस योजना में नामांकन किया था। वहीं साल 2016-17 में 48,83,829 लोगों ने और साल 2015-16 में केवल 24,84,000 और साल 2015-16 में केवल 24,84,895 लोगों ने ही इस योजना का नामांकन किया था। जानकार मानते हैं कि इस पेंशन से 95% असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। जाहिर है अटल पेंशन योजना सफल तभी होगी जब ये घर घर तक पहुंचेगी। कई सरकारें आईं कई गईं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की ज़रूरतों पर बातें भी हुईं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहीं।
लेकिन इस सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत कर ना ही सिर्फ इन लोगों का बुढ़ापा सुधारा बल्कि इन्हें सुरक्षित भी महसूस करवाया। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे में इतना ही, आगे देखिए विशेष में ब्रह्मोस। नमस्कार।